वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है जो आप लोगों ने पहली बार भी देखेंगे इस सेशन में। तो सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सेशन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया, यानी कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसने यूरोप को ये बता दिया कि भैया भारत भी कोई जगह है, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, वो था सिकंदर, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर टू पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टू है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप होगा, यानी कि बीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडी और एक होता है बीसी। यहां पर बीसी की बात की जा रही है, तो सेकंड का जो सी ऑप्शन होगा बिफोर क्राइस्ट, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी यहां पर करेक्ट होगा। अब आपको लोग के लिए एक छोटा सा यहां पर आपको होमवर्क, यानी कह सकते हो नीचे कमेंट में आपको बताना है कि एडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है। मैंने दो चीजें बताई, एक एडी एक बीसी होता है। तो बीसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थ्री पे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। दो चीज़ें होती हैं, विक्रम संवत और शक संवत। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछ रहा है, तो 57 ईसा पूर्व, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको ना मिले। ये सारे सारे समझ सकते हो यूनिवर्सल क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, फोर्थ का जो ए ऑप्शन है 78 ईसा पूर्व, ठीक है। विक्रम संवत की बात की जाएगी तो आप 57 बताएंगे, और वहीं पर अगर शक संवत की बात की जाएगी तो 78 ईसा पूर्व बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे। चिदंबरम मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था, ये आपको बताना है। जो चिदंबरम मंदिर है वहां के जो शिव भगवान है उन पर किसने तमिल भजन लिखा था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा अरिजंग चोला। प्रीवियस ईयर आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत रेयरली आपको देखने को बुक्स में मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे सेशन आपको देखने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक है, उसका निर्माण किसने करवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था आपको बताना है। तो 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा, राजा राज चोला साहब ने कराया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यह भी आपका आरओ 2016 में प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसने दृढ़ता से, यानी कि बिल्कुल कट्टरपन के साथ, सांप्रदायिकता को और संस्कार का विरोध कर दिया था, और उन्होंने कहा था भैया संस्कृत हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम हिंदी भाषा को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो इंसान कौन सा था, तो 7 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, रामानंद साहब थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं सभी लोग को सेशन को लाइक करते हुए चलना है, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, आपको पता हो जयपुर में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पूछ रहा है उसमें अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी ऑप्शन होगा, डॉक्टर पट्टीभी सीतारमैया। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, बहुत खोज के लाया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा है कि ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका, जिसको हम लोग वेदांत परिजात सौरभ भी बोलते हैं, उसको सरल भाषा में किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा ए ऑप्शन होगा, निम्बाक साहब ने लिखा था। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था, और उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दे दिया था। यानी कि ऐसा कौन था जिसको रामानुज, जो एक साइंटिस्ट थे बड़े, उनको अद्वैतवाद पर विश्वास नहीं था लेकिन उनके द्वैतवाद के सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया था, वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ये इनको हम लोग माधव साहब बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना गया है, जो बंगाल से थे और
लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर ओ 2016 में भी पूछ लिया गया और अभी भी पेपर हुआ था आर ओ 2019 में, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ पूछ लिया गया। सोचो क्वेश्चन कितना टफ है, पढ़ने में ही इंसान को मजा नहीं आएगा जो स्टूडेंट पेपर देगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चैतन्य साहब, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया है? एक बुक है जिसको हम लोग शिक्षा अष्टक बोलते हैं, उसकी रचना किसने की थी पूछ रहा है, तो 12 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी किसने किया था, चैतन्य साहब ने। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था? ये आपका प्रीवियस ईयर जब आपका लास्ट टाइम पे लेखपाल का एग्जाम हुआ था, यूपी लेखपाल का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया था? तो 13 का हमारा सी ऑप्शन होगा, चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत उनको अधिकार दे दिया गया कि भैया आप भी क्या करें, यहाँ पर बिजनेस कारखाने खोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से चोल शासक में से किसने नर्तमलाई पुदुकोट्टई के सोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बताओ भाई, सोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन होगा, विजय चोला ने। ठीक है, विजयाला चोला ने, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। ठीक, 14 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पेपर देते रहते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन होगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? जूनियर असिस्टेंट 2016, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2019, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप पेपर खोल के देख सकते हैं। 16 का जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सूरत अधिवेशन, और अभी आपका हाल ही में यूपी टीईटी का एग्जाम हुआ है, सीटेट का एग्जाम हुआ है, उसमें भी सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, और जिस क्वेश्चन में पहला वर्ड लग जाता है क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। पूछ रहा है कौन पहला ब्रिटिश था, यहां पहले भारतीय की बात नहीं की जा रही है, पहले ब्रिटिश की बात की जा रही है, तो 17 का ए ऑप्शन होगा, जॉर्ज यूल साहब थे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो यहां पर सी ऑप्शन है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19 हमारा है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? ये भी आपका प्रीवियस ईयर आरओ और एआरओ दोनों में शामिल हुआ था, और ऑप्शन भी इधर उधर भी नहीं हुए थे, सेम ऑप्शन लाइन से थे, 65, 70, 72, 75। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 72 मेंबर थे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? ये भी क्वेश्चन आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कितना, आप लोग पेपर देते रहते होंगे, क्वेश्चन आपके नजर के सामने जरूर पड़ता होगा, चाहे बुक पढ़ते होंगे, चाहे पेपर देते होंगे, चाहे प्रीवियस ईयर लगाते होंगे। तो वंदे मातरम को सबसे पहली बार कब गाया गया था? 2020 का हमारा डी ऑप्शन होगा, 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन था वहां पर इसको सबसे पहली बार गाया गया, तो 20 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अभी आपको बताया कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, अब पूछ रहा है उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी बता दो। तो 21 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, रहीमतुल्ला एम सयानी साहब थे उस अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, 21 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ये आपको बताना है, इसमें भी टाइम भी दे दिया है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों का पूरा बटालियन था और उन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था, पूछ रहा है वो युद्ध कौन सा था। तो 22 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सूरत में लड़ा गया युद्ध था, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा आसान है और पूछा भी बहुत ज्यादा है।
तो 23 का जो हमारा डी ऑप्शन होगा 1206 ईस्वी में, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 1206 इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ध्यान से समझिएगा, पहले अधिवेशन की बात की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कौन सा उस समय ब्रिटिश जो थे वो भारत का कौन सा वायसराय था, ये पूछ रहा है। 24 का जो हमारा बी ऑप्शन होगा लॉर्ड डफरिन साहब थे, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस टाइम पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन था उस समय भारत में जो ब्रिटिश का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक, मतलब भारत का ही वायसराय था लेकिन वो ब्रिटिशर्स था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन तो मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कितना आसान और कितनी बार पूछा गया है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी साहब। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये क्वेश्चन आप कहेंगे भैया इतना आसान क्वेश्चन क्यों लेकर गया है? देखो, इसमें दो ऑप्शन आपको दिए हैं। सबसे पहले ए ओ ह्यूम दिया हुआ है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन डब्ल्यू सी बनर्जी भी दिया हुआ है। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ए ह्यूम पे बिना क्वेश्चन पढ़े लगा देते हैं। जब ये पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे ए ओ ह्यूम साहब, यानी ए ऑप्शन उस टाइम पे हो जाता। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि सबसे जो पहला अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे डब्ल्यू सी बनर्जी साहब। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को यहां पर लाया गया। तो 25 क्वेश्चन हमने यहां पर कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक करिएगा, आवाज मेरी आप पहली बार सुने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस समय रेगुलरली आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में जरूर पूछा करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।